गुजरे जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस मुमताज 70 साल की हो चुकी हैं। 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज अस्करी बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के रूप में शुमार की जाती है जिन्होंने 60s और 70s में अपनी रोमानी अंदाज और इमोशनल एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया था। अपनी शर्मीली चुलबुली और नटखट अदाओं के साथ जब भी मुमताज पर्दे पर आती तो लोग उनके कायल हो जाते, लेकिन आज मुमताज को पहचानना भी मुश्किल है। एक जमाने में लोगों के दिलों पर राज करने वाली मुमताज की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब उन्हें कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। कैंसर के बारे में जानकर मुमताज डर गई थी, लेकिन उससे लड़ना भी जरूरी था। मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर था जिसके बारे में उन्हें काफी देर से पता चला, लेकिन जल्द ही इलाज शुरू कर दिया गया। कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज की हालत और भी खराब हो गई थी, उनके सारे बाल उड़ चुके थे, यहाँ तक कि उनकी आई लैशेस यानी पलके और आईब्रोज के बाल तक झड़ गए थे। ऐसी हालत में मुमताज को घर से निकलने में भी डर लगता था। इसका जिक्र मुमताज ने खुद साल 2006 में दिए एक इंटरव्यू में भी किया था। मुमताज ने बताया था कि बाल झड़ने की वजह से वो गंजी हो गई थी। उनके पति उनके लिए विग लेकर आते थे जिन्हें वो पहनने के लिए मजबूर थी, लेकिन मुमताज उन्हें पहनना अवॉइड करती थी और उसकी जगह वो स्कार्फ यूज करती थी। मुमताज की हालत एकदम मरने वाली हो गई थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हर वक्त उनके परिवार वाले उनके साथ रहते, लेकिन मुमताज ने ना तो अपनी हिम्मत टूटने दी और ना ही अपने परिवार वालों की। मुमताज ने डटकर कैंसर का सामना किया। लंबे इलाज के बाद मुमताज ने कैंसर से लड़ाई जीत तो ली, लेकिन इस लड़ाई में उनका जो हाल हुआ उसका अंजाम वो आज तक भुगत रही हैं। कैंसर में मुमताज ने जो भी दवाइयां खाई और जो इलाज हुआ उससे उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उन्हें पहचानना तक मुश्किल होने लगा। और आज मुमताज मुंबई की माया नगरी से दूर लंदन में रह रही हैं। लेकिन जिस तरह से मुमताज ने कैंसर से डटकर सामना किया उसके लिए उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।